सीबीएसई सिंपल क्वेश्चन पेपर टर्म 2021-22 का है, और ये जो साइंस का सब्जेक्ट कोड होता है इसको याद रखिएगा 086, और ये क्लास टेंथ का है। तो इसमें हम लोग विस्तार से बात करेंगे क्या क्या इसमें ज़रूरत है। तो पहले इसमें 40 क्वेश्चंस आने की बात थी, लेकिन जो इस सैम्पल पेपर में है यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि तीन सेक्शन होगा, 24 क्वेश्चन होगा सेक्शन ए का, और अटेम्प्ट एनी 20 क्वेश्चन। पहले डाउट था कि सिलेबस के बेस पर 40 क्वेश्चन लिखा था, लेकिन जब सैम्पल क्वेश्चन पेपर आया तो वहाँ पर 50 क्वेश्चन बनाना है आउट ऑफ 60 में, ये कन्फ्यूज़न हो गया था। तो मैंने ईमेल किया सीबीएसई को, तो वहाँ से जो जवाब आया उसके अनुसार इसी फॉर्मेट में रहेगा, 50 क्वेश्चंस का रहेगा, और आपका जो मार्क्स रहेगा वो वहाँ पर जो अगर आप क्लियर करिएगा तो यहाँ पर मार्क्स जो है 40 मार्क्स का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। यानी एक क्वेश्चन जो है 0.8 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पर जैसे देखेंगे कि टोटल क्वेश्चन कॉन्टेंट 3 सेक्शन, तीन सेक्शन होगा, सेक्शन ए में जो होगा 24 क्वेश्चंस होंगे और उसमें कोई आपको 20 क्वेश्चंस बनाना है। फिर सेक्शन बी में है 24 क्वेश्चंस होंगे, इसमें भी कोई भी अटेम्प्ट आपको 20 क्वेश्चन लेना है। सेक्शन सी में है जो 12 क्वेश्चंस होंगे और उसमें से 10 क्वेश्चन लेना है, और सब क्वेश्चन का जो मार्क्स है इक्वल होगा यानी 0.8 होगा, और देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नंबर आपको कटेगा नहीं। तो यहाँ पर जो सेक्शन है 24 क्वेश्चंस में है, तो जो आप फर्स्ट अटेम्प्ट 20 क्वेश्चन वुड बी एवेल्यूएटेड, ये ऐसा कि जो आप शुरुआत में जैसे जो 20 क्वेश्चन बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लगातार अगर कोई सब भर दिए 24 क्वेश्चन तो आपको पहले से 20 जो क्वेश्चन है वो चेकअप होगा, तो इसको जो आता है उसको भरना है। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि रीमा जो टू 5 ml ऑफ लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन बीकर में लिए और इडोट इसको ऐड किए अप्रोप्रिएट मतलब मिला के 4 ml का पोटासियम आयोडेट लेकर, तो व्हाट वुड सी ऑब्जर्व, कि ये एक्टिविटीज़ है कि उसको क्या दिखेगा। तो निश्चित है कि अगर आप इसको किसी से ये करते हैं तो लीड नाइट्रेट का अगर आएगा तो PbNO3 हो जाएगा, और इसके बाद देखे ये 2 हो जाएगा। अब इसके साथ आपको मिलाने का रहा है कि पोटासियम आयोडाइड कर रहा है, तो यहाँ K2Ki हो जाएगा अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ बैलेंस करने में, और इसके बाद जाके यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपको निकलेगा कि जो लीड नाइट्रेट है तो वो अलग हो जाएगा, पोटासियम नाइट्रेट आ जाएगा, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट होगा कि यहाँ से जो होगा लीड जो है तो लीड का जैसे है लीड जो यहाँ नाइट्रेट है तो पोटासियम जो हाइड्रेट है लीड यहाँ से चले जाएगा 2 हो जाएगा, फिर जो आपको पोटासियम NO3 पोटासियम नाइट्रेट ये दोनों मिल जाएगा KNO3। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है डबल डिस्प्लेसमेंट का भी हो सकता है कि ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट दिखाया जा रहा है, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट है और इसका येलो प्रेसिपिटेशन जो है दिखेगा तो बी होगा। फिर आइडेंटिफाई गैस इन द फ्लोइंग एक्सपेरिमेंट सेकेंड क्वेश्चन में है, अगर इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे तो यहाँ पर जो बबल्स हो रहा है गैस का ये मैंने कि कौन सा गैस हो रहा है, यहाँ पर कौन सा गैस ए जो गैस ए दिया यहाँ पर क्या होगा। तो इसको देखिएगा कि आपका जो यहाँ पर बुक में है यहाँ पर जो एक्टिविटी 2.3 का देखिए केमिस्ट्री का, तो यहाँ पर जो है वहाँ उसी से लिया गया है पेज नंबर 19 से। तो आप देखिएगा कि यहाँ पर यह भी हो सकता है कि यहाँ तो ऐसे ये आंसर आपका हाइड्रोजन आंसर होगा, बी सेक्शन बी आंसर जो इसका होगा बी होगा, लेकिन यहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वाई आर बबल्स फॉर्म इन सॉफ्ट सोल्यूशन, कि अगर यही बबल्स अगर होगा तो साबुन के सोल्यूशन में क्यों उगेगा क्यों होगा, तो ये भी कॉर्न होगा। तो यहाँ पर अगर दिया आइडेंटिफाई है तो ये हाइड्रोजन होगा और इसी का सेम आंसर वहाँ भी आपको दिखेगा। फिर इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हैं कि मेटल हो गया, इसको हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड जो आपको डायल्यूट है उससे करना है, फिर उसको अगर देखेंगे तो मेटल से साल्ट और गैस इस तरह से इसको रिएक्शन करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कॉम्बिनेशन आर करेक्ट, कौन इसमें करेक्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर 4 कॉम्बिनेशन है, तो 4 कॉम्बिनेशन में आपको कौन सा करेक्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे कि जैसे यहाँ पर 2 जैसे पहला तो कॉपर जो है यस तो नहीं होगा, कॉपर गलत दे रहा है, आयरन यस होगा यानी ये एक तो ये सही चल रहा है, मैग्नीशियम नो नहीं, मैग्नीशियम यस होना चाहिए था, और जिंक यस है, तो यानी 2 और 4 सही, यानी डी ऑप्शन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर अगर आप 4 का देखेंगे तो विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसमें से कौन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो इसको अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ से जो
आयरन और वाटर के साथ है, तो यहाँ से जो है बी का जो अगर है तो वहाँ पर ठीक दिख रहा है, एकदम बैलेंस है। आयरन थ्री है यहाँ पर, तो यहाँ भी आयरन थ्री है। यहाँ पर अगर वो हाइड्रोजन करेंगे एट है, तो हाइड्रोजन भी एट है, और ऑक्सीजन यहाँ पर फोर है, तो यहाँ भी फोर है। तो ये जो फोर का बी ये जो है बैलेंस है। फिर फाइव में अगर देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि द ग्राफ, जो ग्राफ है गिवन ग्राफ, द ग्राफ गिवन बिलो डिपिक्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, चाहे एसिड हो, अल्कली हो, साल्ट वाटर हो। तो इसे पीएच सॉल्यूशन का देखते हैं, और पीएच सॉल्यूशन यहाँ पर कहाँ पर हो रहा है, तो जहाँ पर लेस देन सेवन होगा। ध्यान रखना है कि जो पीएच वैल्यू होगा लेस देन सेवन, तो इसके नीचे जो आ रहा है ये डी आ रहा है, यानी ऑप्शन डी होगा, फाइव का डी। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स दिया है कि इन द फ्लोइंग इन द रिएक्शन ऑफ द आयरन विथ कॉपर, अगर आयरन और कॉपर को रिएक्शन करेंगे सल्फेट सॉल्यूशन से, जैसे कॉपर सल्फेट और ये आयरन का जो यहाँ पर इक्वेशन दे रहा है, और इसके जगह कॉपर जो फेरिक सल्फेट बन रहा है, आयरन सल्फेट बन रहा है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि विच ऑप्शन इन द गिवन टेबल करेक्टली रिप्रेजेंट द सब्सटेंसेस ऑक्साइड एंड रिड्यूसिंग। तो यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पर ए का दिख रहा होगा, अगर आप देखेंगे तो जो सब्सटेंसेस ऑक्साइड कर रहा है वो भी आयरन है, और जो रिडक्शन एजेंट है वो भी आयरन है, वो मतलब कि यहाँ से ये हो रहा है और यहाँ से मिल जा रहा है। उसके बाद एक सेवन में दिया हुआ है कि केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कॉपर एंड ऑक्सीजन कैन बी कैटराइजेड, अगर कॉपर और ऑक्सीजन को ये कैटराइज करेंगे तो ये कौन सा न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है। तो आप देखें कि दोनों अगर कॉपर को और ऑक्सीजन को मिलाएंगे, तो अगर यहाँ पर इसको बैलेंस करेंगे तो फोर हो जाएगा, और यहाँ मिलाएंगे तो टू कॉपर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हो रहा है, क्या हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, मिल जा रहा है, तो निश्चित है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा, तो सेवन होगा इसमें। फिर एट जो है क्वेश्चन नंबर एट में है, तो यहाँ पर अगर आप इसको जैसे दिया है कि विच ऑफ द गिवेन ऑप्शंस करेक्टली रिप्रेजेंट द पेरेंट एसिड एंड बेस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कि कैल्शियम कार्बोनेट और पेरेंट एसिड का कौन सा है। तो यहाँ पर ये अगर बी का देखिएगा, यहाँ पर बी जो ऑप्शंस है, ठीक है, इसको अगर प्लस, इसको अगर दोनों को जोड़िएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CO3 निकलेगा, और वाटर रिलीज करेगा, वाटर रिलीज करेगा, बैलेंस कर देगा, तो हमको लगता है टू होगा, टू वाटर होगा। तो ये बी जो है ऑप्शन सही है, मैंने क्या कैल्शियम कार्बोनेट पूछा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट यहीं पर है, कैल्शियम और ये कार्बोनेट, इसलिए ऑप्शन बी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर नाइन में दिया हुआ है कि हाउ विल यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम द हीट जनरेटेड वाइल डायल्यूटिंग ए कॉन्सेंट्रेटिक एसिड, तो इसको आप कैसे मैंने कि ये करिएगा। तो निश्चित है कि हमको जो जो कुछ एसिड वाटर के साथ मिला देंगे, स्टीरिंग जिसको फेंट देंगे, जिसको एक्सपेरिमेंट कहते हैं, डायल्यूटिंग करेंगे, तो यहाँ पर इसको अगर आप देखेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाइन का है, बाय एडिंग एसिड टू वाटर, वाटर में देंगे कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। फिर वाई मैंने मिलाने के लिए, स्टीरिंग मैंने मिल जाना। फिर वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस ए स्केलेटर केमिकल इक्वेशन, तो पहले तो ये समझना है कि स्केलेटर केमिकल रिप्रेजेंट इक्वेशन है क्या। अगर ये कहीं भी कहीं पूछ देता है कि व्हाट इज द स्केलेटर केमिकल रिएक्शन इक्वेशन, सॉरी इक्वेशन, तो इसको समझना होगा कि स्केलेटर केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटेशन, ये जो है इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोड्यूट। तो अगर इसको करेंगे तो इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है वो होगा, यानी टू वेरीफाई द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन नंबर 11 में आप देखेंगे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि केयरफुली स्टडी द डायग्राम, डायग्राम को स्टडी करना है। तो यहाँ पर ये बुक से एक्चुअली ज़्यादातर जो है आपका बुक से ही सारा एनसीईआरटी बुक से है, या अगर ये करिएगा तो इसको जैसे पेज नंबर 109 होना चाहिए, पेज 109 होगा और फिगर जो होगा 6.9 है, तो उसमें आप देखिएगा तो उसमें 1, 2, 3, 4 इसको याद कर लेना हर फिगर को कि इसका जो क्या क्या होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर ये 11 का है, तो यहाँ पर सी जो आपको दिख रहा है ऑप्शंस, ये सही दिख रहा है इसका कि ये जो 1, 2, 3, 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद जाके 12 क्वेश्चन देखिएगा कि आइडेंटिफाई द ऑप्शन डेट इंडिकेट द करेक्ट एंजाइम, एंजाइम के बारे में पूछ रहा है। तो ये भी अगर आप देखेगा तो पेज 99 का एनसीईआरटी बुक में है, तो उस फिगर को अच्छा से आपको करना है। अब यहाँ पर आप आइएगा तो एंजाइम जो दिख रहा है यहाँ पर बी है, बी को इसको समझना है। तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं जा रहे हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, कहीं कोई क्वेश्चन डाउट होगा तो आप जो कमेंट सेक्शन में जाकर आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसका जो PDF है इसके डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 13 है, यहाँ पर देखिएगा 13 में कि ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर, तो ये देखिए स्टोमेटल पोर का होता है,
तो यहाँ पर निश्चित है कि इसको गार्ड सेल कहते हैं, वाटर कंटेंट इन द गार्ड सेल। फिर 14th का है कि द फिगर गिवन बिलो शोज आप, ठीक है, सिस्टमेटिक प्लेन ऑफ ब्लड। तो इसको अगर आप देखेंगे अपना पड़ेगा ब्लड सर्कुलेशन जो ह्यूमन का है, तो 1-4 का कौन सा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो पहले ही जो इसमें देखिएगा आपका कि जो चौथा है यहाँ पर 4 ऑप्शन से देखिएगा, ये आपको जो है यहाँ पर करेक्ट लेवल फंक्शन का बता रहा है। फिर जाके आप 15 का देखिएगा, तो 15th क्वेश्चन को पढ़ेगा तो इसको भी आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई द फेज ऑफ सर्कुलेशन विद द रिप्रेजेंट द डायग्रेशन ऑफ हार्ट गिवन बिलो, तो ये कौन सा ये आ रहा है, तो इसमें भी देखेगा कि ब्लड जो है लंग्स को माने कि ट्रांसपोर्ट करता है फॉर ऑक्सीडेशन, तो यानी जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद देखिए क्वेश्चन जो है आप आगे क्वेश्चन निकलेगा, तो 16 क्वेश्चन है कि ऑब्जर्व द डायग्राम, इस डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। उसके बाद देखिए आप देखिएगा जिस डायग्राम को ऑब्जर्व करिएगा तो कौन कौन सा इसमें मैच कर रहा है, तो मैच इसको करिए 1 का, इस तरह से मैच करिएगा, तो यहाँ से अगर मिलाइएगा तो 1 का बने बी आएगा। अगर यहाँ से मिला रहे हैं 1 में तो अगर आ जाएगा पहले जैसे इनिशियल होगा, तो निश्चित है कि यहाँ पर जो अगर सारा मिलाइएगा तो ये बी ऑप्शन होगा, 1 का बी, 2 का सी, इस तरह से। फिर क्वेश्चन नंबर 17 को देखिएगा, तो विच ऑफ द फ्लोइंग मिरर इज यूज बाई द डेंटिस्ट टू एग्जामिन, अगर कैविटी है तो डेंटिस्ट जब भी एग्जामिन करता है तो वो जो मिरर का यूज करता है कॉनकेव मिरर का। फिर क्वेश्चन नंबर 18 आइए, तो यहाँ पर 4 डायग्राम दिया हुआ है, 18 में 4 डायग्राम दिया हुआ है, और इसमें पूछ रहा है कि विच डायग्राम शो इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्क्रीन बाय द कन्वर्जिंग लेंस। तो ये जैसे आप देखिएगा बुक में आपका है पेज 180 में देखिएगा ये इसको होगा, तो और कन्वर्जिंग लेंस का होगा, तो इसको अगर गौर से करिएगा तो ऑप्शन जो सी दिख रहा है ये कन्वर्जिंग लेंस का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ये स्विच को फोकल लेंथ को रिप्रोड्यूस कर रहा है जो क्वेश्चन के अनुसार। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन मेक अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट व्हेन लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इज इंसिडेंट ऑन इट, तो इंसिडेंट जब भी होगा तो निश्चित है दोनों में होगा, कॉनकेव मिरर और इस कॉन्वेक्स दोनों में, सॉरी मिरर बोल रहे लेंस, कॉन्केव मिरर का जो रूल्स है वही कॉन्वेक्स लेंस का है, फिर कॉन्वेक्स मिरर का जो है वहाँ पर इसको कॉन्वेक्स, तो यहाँ पर ये जो बता रहा है ये ए ऑप्शन होगा। उसके बाद जाके क्वेश्चन नंबर 20 अगर देखिए, तो 20 में ये बता रहा है कि कंसिडर दीज इंडेक्स ऑफ द रिफ्रैक्शन, ग्लास का दिखा रहा है, एयर का दिखा रहा है, तो निश्चित है कि जो अगर यहाँ पर जिसका ज़्यादा होगा, यहाँ अगर गौर करिएगा तो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा रहेगा, तो यानी सी ऑप्शन दे रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, तो सॉरी एयर का जो है एयर का है 1 पॉइंट जितना, तो इस तरह से आगे बता रहा है। फिर जाके स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, उसके बाद जाके छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, छोटा से बड़ा की ओर जाएगा, इस तरह से यानी ऑप्शन सी होगा। फिर उसके बाद जाकर 21 का देखेंगे, तो 21 में पूछा है कि इफ़ द बीम ऑफ रेड लाइट, अगर रेड लाइट बीम और बीम ऑफ द वायलेट लाइट, दो लाइट का अगर बीम को टर्न कराया जाए, इंसिडेंस कराया जाए सेम एंगल अगर लेके आया जाए प्रिज्म में, तो प्रिज्म में होगा तो इसमें क्या होता है, अगर आप देखिएगा कि अगर जब पास कराइएगा कि वाइल पासिंग द प्रिज्म इसको रेड करेगा, तो लेट जो रेड लाइट है बेंड द लिस्ट वो कम मुड़ेगा और सबसे ज़्यादा मुड़ेगा वायलेट, तो यानी ये जो ऑप्शन डी है कि जो रेड लाइट कम मुड़ेगा वायलेट से, यानी ऑप्शन डी होगा 21 का। फिर 22 का अगर इसको क्वेश्चन देखेगा, 22 का अगर मेजर ठीक से करिएगा इसको देखेगा, तो यहाँ पर अगर ऑब्जर्व करिए क्वेश्चन पढ़िएगा, तो एग्जामिन द एबव फिगर एंड स्टेट का, तो इसमें बी आपको निकलेगा कि मिरर जो है द फोकल लेंथ ऑफ द -3 सेंटीमीटर, तो यहाँ से इसको निकालना है, ये समझ जाइएगा। फिर इसको आ जाकर 23 क्वेश्चन में है, 23 क्वेश्चन में अगर यहाँ पर इंसिडेंस अगर इस जगह पर देख रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस फ्रॉम द ग्लास, तो ग्लास ही सेमी ग्लास से यहाँ पर आएगा, तो ये यहाँ जो आ रहा है तो ये 0 डिग्री होगा बी का। क्वेश्चन थोड़ा ठीक से पढ़िएगा तो समझ आएगा, ग्लास स्लैब में अगर इसको जो इंडिकेट्स कर रहे हैं पॉइंट ओ से हेमिस्फेरिकल में, तो वो 0 डिग्री बनेगा, हमेशा याद रखिएगा। फिर 24 का प्रिज्म का ही कंडीशन दिया गया है, तो यहाँ दिया हुआ प्रिज्म को, तो यहाँ पर जैसे दो तरह का, अगर यहाँ पर गौर कर रहे हैं कि यहाँ पर ए ऊपर है फिर ए को नीचे कर दिया है, तो इस तरह से, और इसका डायरेक्शन है, तो बोल रहा है कि ए बी सी विथ बी सी बेस है इसका, इट प्लेस डिफरेंट ओरिएंटेशन, तो नैरो बीम ऑफ वाइट लाइट, अगर वाइट लाइट इंसिडेंस करेगा तो इसको समझना कि वाइट लाइट में कैसे होगा, तो अगर जैसे इसमें देखेगा कि जो पहला इसमें सेकेंड का होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो येल्लो कलर है वो क्रॉसपोंडेड टू ब्लू है, ऊपर से यहाँ से जो नीचे होगा ब्लू है, तो उसी यहाँ से नीचे से अगर जैसे जाएगा सेकंड में आएगा,
पहले क्या है, कलर येलो कलर इज द क्रॉसपॉइंट टू ब्लू, और वाइंड द प्रिज्म इज प्लेस्ड विथ एंगल ए, अगर एंगल ए के अनुसार उसको डालेंगे तो यूनिट द थर्ड थर्ड, तो इसका भी थर्ड आ जाएगा, अपवर्ड होगा ऊपर थर्ड जगह, तो यानी बी जो सेकंड का है ये सही है इसका आंसर। इसका आ जाके सेक्शन बी का जो है, सेक्शन बी को यहाँ पर देखना है, तो सेक्शन बी में है कि 25 क्वेश्चन को पहले चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर एक लाइम स्टोन है उसको हीट करेंगे स्टेप वन में, तो यहाँ पर एक एक्स बनेगा यानी कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, सी ए ओ बनेगा यहाँ पर, अगर इसको हीट करते हैं लाइम स्टोन को, सी ए ओ बनेगा इस जगह पर एक्स पर, उसके बाद जाके इसको हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं, तो यहाँ पर फिर इसको अगर माने कि वाटर मिला दे तो स्लेक लाइम कहेंगे, तो इसको हम लोग दे रहे हैं इंडोथर्मिक और एक्जोथर्मिक, तो इसमें दोनों में क्या होता है, तो यहाँ अगर सी का करिएगा कि दोनों होगा, जैसे अगर आइडेंटिफाई द करेक्ट, अगर पहला में दे रहे हैं स्टेप वन स्टेप टू में दे रहे हैं, तो पहले इंडोथर्मिक को अंदर में बाहर आ जाएगा, तो एक्जोथर्मिक बाहर से गर्म होगा। फिर 26 का दिखा रहा है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि इन द इन विच ईयर इज द कंसंट्रेशन हाइड्रोजन आयन इज द हाइएस्ट, तो हाइड्रोजन हाइएस्ट कहाँ पर है, तो ये देखिएगा कि जहाँ भी पीएच वैल्यू कम होगा, जैसे अभी बताए थे, तो सबसे कम अगर दिख रहा है तो यहाँ पर दिख रहा है, ये यहाँ पर दिखेगा ये टू, ये देखिए सबसे कम यहाँ दिख रहा है 2002, तो आंसर होगा 2002 यानी ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 27 को देखिएगा, तो यहाँ दिया है कि डायग्राम्स ऑफ द रिएक्शंस बिटवीन द मेटल एंड डाइल्यूट एसिड, तो इसको समझना है, तो यहाँ पर आप डायग्राम को देखिएगा तो कौन सा ऑप्शन सही है इसको, तो यहाँ पर देख रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विद द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड एस टू गैस विच बी फ्लोटिंग, यहाँ बी दिख रहा सही होगा इसको, अगर पूरा डायग्राम को गौर से करिएगा तो। फिर 28 का, अब इस तरह से अब हम क्या है कि इसका एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो जाए, तो इसको आप जो है एक एक ठोकर यहाँ पर आंसर जैसे बता रहे हैं आप उसको चेक करते जाइए आंसर को, और उसके बाद जाके जैसे 28 का, तो 28 का अगर इसको देखेगा तो यहाँ पर बी आएगा, जैसे मैंने पूरा पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद जाके इसको पूरी तरह से समझाया गया 28 का बी होगा, कहीं अगर हो हार्ड होगा तो मैं उसका डिस्क्राइब कर रहा हूँ। फिर 29 का है कि विनय जो ऑब्जर्व करता है कि स्टेन ऑफ द करी, तो क्या जो दाग बढ़ जाता है उसका होगा, तो इसको आप अच्छा से पढ़िएगा, तो इसमें जैसे बी आएगा ऑप्शन, इसको ध्यान से देखिएगा, अच्छा से पढ़िए वीडियो को रोक कर, और यहाँ से इसका बी आएगा। फिर 30 का, इन विच ऑफ द फ्लोइंग सेटअप वुड बी द बल्ब ग्लू, किस में बल्ब ग्लू करेगा कौन सेटअप में, तो इसको अगर जाइएगा तो जैसे यहाँ पर चार ठो दिख रहा है, चार को ऑब्जर्व ठीक से करिएगा, तो यहाँ पर कौन सा ये कर रहा है, तो इसको बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जैसे बल्ब जैसे ग्लो करेगा यहाँ पर, गौर करने से अगर गौर करेगा इस पिक्चर्स को, तो एक तो पहला का दिख रहा है कि इसमें बीकर से नेल दिया हुआ है, तो 1 और 4 जो दिख रहा है यहाँ पर, बी ऑप्शन जो दिख रहा है ये माने कि होगा, यानी 4 भी ग्लो करेगा, यहाँ पर नेल दिया हुआ लाइम वाटर और रबर कॉर्क दिया हुआ है। उसका क्वेश्चन 31 से 35 में जो असर्शन का है और रीजनिंग, अगर असर्शन और रीजनिंग दोनों सही है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन कर रहा है, रीजनिंग जो सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है का, तो ए ऑप्शन होगा, लेकिन ए आर दोनों सही है और लेकिन रीजनिंग जो है करेक्ट नहीं बता रहा है, तो बी ऑप्शन होगा। और सी है कि अगर असर्शन सही होगा रीजनिंग गलत होगा तब सी होगा, और असर्शन गलत होगा रीजनिंग सही होगा तो आर होगा। तो यहाँ पर 31 का अगर आप पढ़िएगा तो 31 को इसको आपको देखिए, हम इसमें सिर्फ बता देते हैं कि यहाँ ऑप्शन सी होगा, क्यों, क्योंकि जो असर्शन दिया 31 में ए ट्रू है लेकिन आर गलत है, तो यहाँ पर सी होगा 31 का, क्योंकि जो लिखा है बेकिंग सोडा डिक्रीजेस द पीएच वैल्यू ऑफ फ्रेश मिल्क टू बिलो 6, ये गलत लिखा हुआ है। फिर 32 जो दिया हुआ है कि यहाँ पर जो है ए गलत है कि असर्शन डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ए गलत है, और यहाँ पर हम सिर्फ आपको बता दे रहे हैं ताकि आप इसको समझिएगा अच्छा से, और इसमें जो है आर जो है दिख रहा है डिकम्पोजिशन, ये आर सही है यानी इसका ऑप्शन डी होगा 32 का। फिर 33 का अगर आप देखेगा तो 33 को पढ़िएगा तो इसका ऑप्शन सी होगा, यहाँ पर क्योंकि ए सही है, जो राइसिन और गम्स है वो जाइलम में टिश्यू में होता है, और यहाँ पर जो दिया ट्रांसपोर्ट था वाटर मॉलिक्यूल, ये सही है ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी होगा। फिर जाके 34 में देखेंगे तो 34 का जो है यहाँ पर बी होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सही है लेकिन रीजन जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा इसका, इसलिए है। फिर 35 को आप देखिए तो यहाँ 35 में क्या भरेगा कि टेबल बिलो जो भी नीचे दिया गया है कि रिएक्शन ऑफ द फ्यू एलिमेंट एसिड बेस साल्ट का, तो एलिमेंट को इसको देखने से आपको यह ऑब्जर्व करना है
कि कौन सा विच ऑफ दीज एलिमेंट फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट बनेगा, तो 35 का गौर करिएगा तो इसका जो आंसर होगा बी, क्या होगा ऑप्शन बी, कि बी और डी जो दोनों सही होगा। फिर 36 में दिया हुआ है कि इन विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्लड जो फ्लो हो थ्रू हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पेसेज थ्रू द बॉडी, तो यहाँ पर अगर इसको गौर करिएगा तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर मतलब कि अगर ऑप्शन देखें तो अगर ए बी का फ्रॉग होगा, वेल नहीं, डी होगा शार्क और डॉग फिश और स्ट्रेन 36। फिर 37 का देखिएगा कि व्हाट इज द कॉमन, अगर इसको पढ़िए कॉमन बिटवीन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल अराउंड वॉल एंड अरवे, तो यहाँ पर जो देखिएगा 37 का, तो यहाँ पर थीन वॉल्ड होता है कैपिलरी, यानी इसका थीन वॉल कैपिलिटी आएगा तो डी होगा, क्या ऑप्शन होगा डी। उसी तरह से 38 को आप पढ़िएगा तो कि प्लांट्स यूजली कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन एंड कम्पेयर टू द एनिमल, तो विच आर द फ्लोइंग प्रोसेसेस इज नॉट फॉलोड बाय द प्लांट फॉर एक्सक्रेशन, तो कौन सा फॉलो नहीं करता है, तो इसको बी देखेगा कि दे सेलेक्टिविटी फिल्टर टॉक्सिक यहाँ पर। फिर क्वेश्चन नंबर 39 में आते हैं, तो 39 का दिया है कि द पावर ऑफ लेंस इज -4.0 डी, तो यहाँ दिया हुआ तो देन इट मीन्स डैट लेंस इज, लेंस क्या होगा, तो हम लोग पढ़े हैं इसका कि 100 बाई एफ होगा सेंटीमीटर में, तो 100 बाई अगर पावर होगा तो 100 बाई पी होगा, और पावर यहाँ -4 दिया तो 100 बाई -4 यानी -25, यानी ऑप्शंस जो होगा इसका -25 सी होगा, क्या होगा सी। तो इसको याद रखना फार्मूला क्या है यहाँ पर, पी इज इक्वल टू यहाँ अगर देखेगा तो 100 बाई एफ होगा, 100 बाई एफ, तो यहाँ से फोकस होगा, तो इसको निकालना आपको, तो यहाँ पर जैसे एफ निकालना है कि व्हाट इज द इट मीन्स दैट लेंथ इज, तो कितना होगा यहाँ दिया हुआ लेंथ फोकल लेंथ। फिर 40 का अगर आप गौर करिएगा तो 40 को भी यहाँ पर बना, जैसे इसको क्लियर नहीं कर रहे कहीं क्वेश्चन डाउट होगा तो आप उसको बना सकते हैं, जैसे दिया है कि रेज एंड सन कन्वर्ज एट द पॉइंट 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ जब 15 सेंटीमीटर वहाँ एफ हो गया, यानी एफ जब 15 होगा तो यानी -15 सेंटीमीटर होगा, इसको देखिएगा कौन सा इसमें आएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो निश्चित है कि कन्वर्ज करेगा ये 15 सेंटीमीटर मिरर में, तो एफ -15 सेंटीमीटर होगा, और कर्वेचर जो होगा इसका सी होगा, तो इसका डबल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -30 सेंटीमीटर, तो इसी चीज़ को यहाँ पर इसमें समझना है। फिर दिया है कि इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा, तो एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट द सी मेक्स एन इमेज होगा, तो यानी इसका ऑप्शन ए होगा, क्या होगा ऑप्शन ए, यहाँ पर बनेगा फ्रंट ए। 41 को इसको अपने से देखिए, 41 में आप क्या कर सकते हैं, तो 41 का दिख रहा है कि यहाँ पर अगर क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी सही होगा कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। फिर 42 को आप ठीक से पढ़िएगा तो इसका जो है कि यूरिन जो है वो डायल्यूटेड है, यानी 42 का डी ऑप्शन होगा। फिर आगे बढ़ते हैं कि 43 का, इफ़ द रियल इमेज ऑफ द कैंडल फ्लेम, अगर रियल इमेज जो है कैंडल फ्लेम जो होता है फ्लेम फॉर्म बाय ए लेंस 3 times द साइज ऑफ द फ्लेम, तो 3 times बाय द साइज ऑफ द फ्लेम्स, उसके बाद द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड इमेज इज द 18 सेंटीमीटर, यानी मैग्नीफिकेशन जो एम होगा यहाँ पर, एम हो जो अगर देखेंगे तो एम इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, एम हो जाएगा -3। उसके बाद जाके अगर भी जगह इसका देखेंगे तो 80 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका, अगर इसका यहाँ पर एम अगर भी बाई यू कर दिए तो यहाँ पर यू निकल जाएगा, यू निकालिएगा तो -80/3, अगर यू निकालिएगा तो -80/3 आ जाएगा। उसके बाद जब यू -80/3 आ जाएगा तो निश्चित है कि आप इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी इसका आंसर जो अगर देखेगा तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। फिर 44 का भी अब आप अपने से आप लोग बनाइए, सिर्फ हम ऑप्शन बताए थे, तो 44 का यहाँ पर ऑप्शन जो है यहाँ 3 दिया तो ऑप्शन से यहाँ पर सी होगा। फिर क्वेश्चंस को यहाँ पर पॉज करके पढ़िए, 45 को देखिए, तो यहाँ medium 1, medium 2, medium 3 से जा रहा है, तो इसको आप ये करिएगा तो यहाँ पर कौन सा ये होगा, तो इसको पढ़ने के बाद आप देखिएगा 1 = 3 = 4, तो यहाँ से देखिएगा तो ऑप्शन डी होगा, क्या होगा ऑप्शन डी, इसको अगर पढ़िए अच्छा से तो इसका ऑप्शन होगा डी। फिर क्वेश्चन 46 का है, तो यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ रिफ्रेक्टिंग इंडेक्स ऑफ द प्रिंट ग्लास इज 1.65, तो यहाँ पर इसका देख रहे हैं कि प्रिंट क्लास का रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स और इसको सेकंड का, तो 1.65, 1.36, तो ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाएगा, 1.36 निकालिएगा, तो इसको अगर कैलकुलेट करिएगा पेन कलम से तो याद आएगा 1.21, तो ये 46 हो गया।
फिर 47 आपको समझना कि द एबव लेंस एज द फोकल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो 47 में यहाँ पर जो C दिया हुआ है 4 mm है, F है -10 cm है, H1 हो गया 2 mm दिया हुआ है और U है -5 सेंटीमीटर। तो इसको फाइंड आउट करिए, तो फाइंड आउट करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा यहाँ पर C आएगा, क्या आएगा C। सो फाइंड आउट करिए, फिर जाके 48 में, 48 को यहाँ पर समझना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो 48 को अगर आप ठीक से गौर से पढ़िए तो केबल मैन्युफैक्चरिंग, केबल जो मैन्युफैक्चरिंग है यूनिट है टेस्टेड फ्यूज चीज़ें, तो इसमें से आपको 48 का जो ऑप्शंस मिलेगा बी मिलेगा, केवा एलिमेंट डिकार्टेड, ये डिकार्टेड इतना, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन सी में जो है केस स्टडी है, स्टडी को पढ़िएगा कि न्यू इंडियन एक्सप्रेस का 9 मार्च 2020 का साल्ट स्टोरी के बारे में दिया हुआ है कि कैसे साल्ट जो है एक पोर्ट से जो चेन्नई से निकल कर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर साल्ट हो जाता है तमिलनाडु में। तो इसमें दिया हुआ है साल्ट के बारे में पूरा क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो कंपाउंड है, फार्मूला है और मास ऑफ द वेट है, तो इसको अच्छा से थोड़ा सा पॉज करके देख लीजिए। उसके बाद जाके 49 क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड इन द टेबल रिएक्ट द एसिड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आप इसको देखिएगा तो कौन सा रिलीज कर रहा है, तो यहाँ पढ़िएगा तो निश्चित है कि कैल्शियम कार्बोनेट कर रहा होगा। फिर 50 में अगर आप इसको गौर करिएगा तो यहाँ पर पूछा हाउ मेनी ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, तो उसको काउंट करेगा, इसको जब काउंट करेगा तो 18 मार्क्स आएगा, 18 ग्राम आएगा या सॉल्व करेगा। 51 है कि व्हाट इज द सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl का सॉल्यूशन, तो निश्चित है कि ब्राइन होगा इसका अगर ये साल्ट लेके जा रहा है। फिर व्हाट इज द pH ऑफ द एसिड विच इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ कॉमन साल्ट, तो कौन सा कॉमन साल्ट का इसमें आ रहा है, तो इसको गौर करिएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निश्चित आएगा। तो यानी 52 का आपको आंसर देना होगा बिटवीन 1 टू 3। उसके बाद जाके केस स्टडी इसको पढ़िए, इस जैसे यहाँ पर इसको पूरा पढ़ते हुए इस फिगर को समझिए केस को। अब इसको अच्छा से पढ़ लिए होंगे थोड़ा सा तो इसको समझेंगे, आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाइएगा। तो यहाँ पर देखिए कि द एक्सपेरिमेंट सेटअप इज यूज टू प्रूव एसेंशियल ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस की निश्चित है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायरमेंट है, तो यानी सी होगा, 53 का सी होगा। फिर 54 का कि फंक्शन ऑफ KOH इज, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो 54 होगा तो ये होगा कार्बन डाइऑक्साइड, इसका भी होगा निश्चित होगा 54 का। फिर 55 को आप देखिएगा, वहाँ से पढ़िएगा पूरा एक्सपेरिमेंट को ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसको नहीं बोलने जा रहा हूँ, फिर सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर ब्लू दिखेगा यानी बी होगा। और उसके बाद देखिए 56 का होगा कि 56 को गौर करिएगा तो 56 में आएगा ऑप्शन सी। फिर आगे देखें कि नूर इज ए यंग स्टूडेंट वाज ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट सम प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट इन अ साइंस प्रोजेक्ट वर्क, तो उसको दिखा रहा था, इसको पढ़िए थोड़ा सा, इसको पढ़ने का जब इसका केस स्टडी पढ़िएगा तब आपको थोड़ा सा समझ में आएगा क्या हो रहा है। अब इसको, इस रे को, दोनों को समझिए। फिर 57 का क्वेश्चन को आंसर दीजिए, तो पैरेलल साइडेड ग्लास ब्लॉक है देखिएगा, तो पैरेलल साइडेड यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो बी होगा। फिर जाके यहाँ पर जो दिया हुआ है कि 58 का कि सी मेजर, अगर इसको मेजर करता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द बोथ रेजन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ बॉक्स टू द 48.6 डिग्री, तो इसको अगर आप बनाइएगा तो यहाँ पर देखिएगा कि बनने के बाद जाके ऑप्शन सी आ जाएगा 30 के लिए, सॉल्व करिए इसको। उसके बाद जाके 59 का हो गया कि ये भी यहाँ पर 59 को क्वेश्चन ठीक से पढ़िए, तो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि इसका जो ऑप्शंस है डी सही है।